चलिए आज सुनते हैं दो मेंढक की कहानी। एक बार मेंढकों का एक दल पानी की तलाश में जंगल में घूम रहा था। अचानक ही समूह में दो मेंढक गलती से एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दल के दूसरे मेंढक गड्ढे में अपने दोस्तों को लेकर चिंतित थे। गड्ढा कितना गहरा था यह देखकर उन्होंने दो मेंढक से कहा कि गहरे गड्ढे से बचने का कोई रास्ता नहीं है और कोशिश करने का कोई मतलब ही नहीं है। वे लगातार उन्हें हतोत्साहित करते रहे क्योंकि दो मेंढक गड्ढे से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों जितना भी कोशिश करते लेकिन काफी सफल नहीं हो पाते। जल्द ही दो मेंढक में से एक ने दूसरे मेंढकों पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि वे कभी भी गड्ढे से नहीं बच पाएंगे और अंततः हार मान लेने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। दूसरा मेंढक अपनी कोशिश जारी रखता है और आखिर में इतनी ऊंची छलांग लगाता है कि वो गड्ढे से बच निकलता है। अन्य मेंढक इस पर चौंक गए और आश्चर्य किया कि उसने ये कैसे किया, ये तो संभव ही नहीं है। अंतर ये था कि दूसरा मेंढक बहरा था और समूह का हतोत्साह नहीं सुन सकता था। उसने ये सोचा कि वे उसके इस कोशिश पर खुश हो रहे हैं और उसे कूदने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, इसलिए वो उस गड्ढे से निकल के बाहर आ गया था। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों की राय आपको तभी प्रभावित करेगी जब आप उस पर विश्वास करेंगे। बेहतर इसी में है कि आप खुद पर ज्यादा विश्वास करें, सफलता आपके कदम चूमेगी।